अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगजेब मानी सलम सर कैटलेटिक कन्वर्टर शॉप से। आज हम कर रहे हैं होंडा फिट के कैटलेटिक कन्वर्टर की क्लीनिंग। गाड़ी आई थी, गाड़ी में कैटलेटिक कन्वर्टर का इशू आ रहा था, जिसको चेक करने पर चला गाड़ी का कैटलेटिक कन्वर्टर चौक हो गया। इसी इशू के रिजोल्व के लिए कैट की क्लीनिंग की जा रही है इसकी अपनी मशीन से, और इसके अपने केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कैटलेटिक कन्वर्टर की जो क्वालिटी और मेयार है वो बरकरार रहे, जो कि कैटलेटिक और कैटलेटिक कन्वर्टर को डैमेज हुए बगैर क्लियर कर सके। अमूमन लोग कैट क्लीनिंग के लिए तेजाब का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी नस्बत कैटलेटिक कन्वर्टर और ज़्यादा डैमेज हो जाता है और उसके अंदर का सेरेमिक भी ख़राब हो जाता है। आप देख सकते हैं कैटलेटिक कन्वर्टर की क्लीनिंग की जा रही है इसकी अपनी मशीन के ज़रिए, ताकि कैटलेटिक कन्वर्टर का जो गाड़ी में इशू आ रहा था वो रिजोल्व हो जाए। काफ़ी ज़्यादा कैटलेटिक कन्वर्टर डिसॉल्यूट पानी निकल रहा है। कैटलेटिक कन्वर्टर को जब मशीन के ज़रिए क्लीन किया जाता है तो कैटलेटिक कन्वर्टर के जो अंदर का डस्ट आलूद होता है, जो कार्बन होता है, वो क्लियर हो जाता है, और जिसकी नस्बत जो गाड़ी में फ्यूल एवरेज का इशू आ रहा होता है, गाड़ी में जो चॉकलेट का इशू आ रहा होता है, जो गाड़ी साउंड बहुत ज़्यादा ले रही होती है, चलने में जो काफ़ी ज़्यादा घुटन पैदा कर रही होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ जाती है उसमें, और चलने में परफॉर्मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आती है। फ्यूल एवरेज के लिहाज से देखा जाए तो गाड़ी फ्यूल एवरेज में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आती है। अगर आप भी अपना कैटलेटिक कन्वर्टर वॉश करवाना चाहते हैं, या आपकी गाड़ी पेट्रोल बहुत पी रही है, या इंजन चॉकलेट का इशू आ रहा है और आप अपना कैटलेटिक कन्वर्टर को लेकर परेशान हैं, तो आज ही अपने कैटलेटिक कन्वर्टर की क्लीनिंग इसकी अपनी मशीन और इसके अपने केमिकल से करवाएं। हमसे रब्ता करने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।